हर हर महादेव, जय माता दी। आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे चंद्र ग्रहण जो पड़ने जा रहा है 8 नवंबर को, कितना सूतक का इसका समय रहेगा और गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के विशेष उपायों की भी चर्चा करेंगे। जैसे कि इस वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया हो रहा है, ऐसे में आवश्यक रूप से जो पूर्णिमा की पूजा आराधना इत्यादि होगी वह जो है 7 तारीख को की जाएगी, अर्थात कार्तिक स्नान करने वाले या पूर्णिमा व्रत करने वाले व्यक्ति 7 नवंबर के दिन अपनी पूजा पाठ को संपन्न करेंगे। 8 तारीख को हालांकि देव दिवाली मानी जा रही थी, परंतु देव दिवाली जो है जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उस कारण से 7 तारीख को ही मनाई जाएगी। जो भी आप दीप दान करना चाहें या अपने कार्तिक उद्यापन अर्थात कार्तिक माह का उद्यापन करना चाहते हैं और साथ ही तुलसी पूजा इत्यादि, सभी चीज़ें जो है 7 तारीख को की जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप सभी पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वह 7 तारीख को करना न भूलें। और साथ ही इस दिन जो है विशेष रूप से गंगा स्नान का अद्भुत फल प्राप्त होता है और दीप दान का अपना ही इस दिन महत्व है। ऐसी स्थिति में आप सभी विशेष रूप से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और जितना संभव हो तुलसी माता के आगे दीपक और भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और बहते हुए तालाब इत्यादि में भी आप नदी इत्यादि में दीपदान करना ना भूले। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप सभी को बता दूं चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। जैसे कि चंद्र ग्रहण भारत में भी पूर्ण रूप से इसका जो सूतक है वह मान्य हो रहा है। सूतक जो है ऐसी अवस्था होती है जब जो है देवी देवताओं के सभी कार्य हम नहीं करते, अर्थात अशुद्ध समय इसे माना जाता है, कहा जाता है। समय नकारात्मक ऊर्जाएँ बहुत अधिक अवस्था में जो है सक्रिय होती हैं, यह समय जो है दूषित समय के रूप में जाना जाता है। ऐसे में 8 नवंबर 2022 को मंगलवार को जो यह चंद्र ग्रहण है वह लगने जा रहा है। यह भारत के अतिरिक्त जो प्रशांत महासागर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल इत्यादि में भी लगेगा, भारत में भी इसका असर होगा। चंद्र ग्रहण जो है 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल का जो समय सुबह शुरू हो जाएगा वह 5:38 के आसपास शुरू हो जाएगा और यह शाम को 6:19 के आसपास तक रहेगा। सुबह से शाम तक जो है सूतक काल का समय हो रहा है। ऐसे में जो सूतक काल हालांकि 9 घंटे पहले देवी देवता इत्यादि के जो पट होंगे, पूजा पाठ इत्यादि के जो कार्य होंगे वह पूर्ण रूप से मना ही है करने की, भोजन इत्यादि भी इस समय वर्जित माना जाता है, परंतु जो वृद्धजन हैं, किसी कारण गर्भवती महिलाएँ हैं, वह जो है सिर्फ 4 घंटे भी सूतक काल को मान ले तो वह पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि जो पूर्ण अवस्था होती है ग्रहण की उस समय को जो है स्पर्श काल जिसे कहा जाता है, उस समय तक भी अगर आप ग्रहण को मान लेती हैं तो वह भी पर्याप्त रहेगा। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं वह समय इस प्रकार से है, 2:30 से 6:19 तक सूतक काल पूर्ण रूप से होगा, जो जिस समय आप सभी को भोजन इत्यादि त्यागना होगा, अर्थात इस समय जो है आप सभी को भोजन इत्यादि वर्जित करना होगा। ऐसे समय में आप सभी आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इतना ही भोजन बनाएं जितना आप ग्रहण कर पाएं, यह नहीं कि बहुत अधिक भोजन बनाएं। अगर तरल पदार्थ है घर में जैसे दूध, दही, छाछ इत्यादि रहती ही है और साथ ही पानी इत्यादि भी रहता है, तो ऐसी अवस्था में यह चीज़ें फेंकी तो नहीं जा सकती, तो इनमें आप सभी तुलसी पत्र रख लीजिए। साथ ही अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी को तोड़कर अपने पास रख लीजिए। इसके साथ ही आप सभी इस बात का ध्यान रखिए, कोई गर्भवती महिला है तो वह जितना संभव हो प्रभु चिंतन करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जितना संभव हो जाप करे। आप सुबह से सूतक अर्थात भगवान को तो स्पर्श ना करें, इस बात का ध्यान रखें, सुबह प्रातःकाल से शाम 6 तक देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना है, इससे पहले ही आप सभी पूजन इत्यादि कर लीजिए। और साथ ही आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि इस बीच में जब मैंने बताया 1 से लेकर शाम के समय तक, जैसा स्क्रीन पर भी यह समय दिया हुआ, इस समय जो है खान पान इत्यादि पूर्ण रूप से वर्जित होगा। शाम के समय पर दोबारा से देवी देवताओं के पट खोले अपने मंदिर के और आप भी स्नान इत्यादि कर लीजिए और साथ ही भगवान को भी स्नान करवा लीजिए और साथ ही अपने घर के बच्चे हैं वह किसी कारण बस स्नान करने में असमर्थ हैं तो उनके कपड़े वगैरह बदलकर गंगा जल का छींटा इत्यादि दे दीजिए। इस तरह से जो है यह ग्रहण की जानकारी थी। गर्भवती महिलाओं के लिए गुरुदेव ने विशेष सुझाव दिया है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे अपने पेट पर 3 उंगलियों की सहायता से पीला चंदन या लाल चंदन जो भी आपके पास हो उसकी 3 रेखाएँ बना लेनी चाहिए।
इस तरह से यह जानकारी थी। और आप सभी कोई उपाय करना चाहते हैं महादेव के लिए तो पूर्णिमा का दिन है, हालांकि यह उपाय जो है सुबह प्रातःकाल 5 बजे से पहले ही हो जाएंगे। अगर आप करना चाहें तो महादेव को चावल समर्पित करें, क्योंकि चंद्रमा इससे मजबूत स्थिति में होता है। दूध जो है आवश्यक रूप से समर्पित करें, इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। शाम के समय में भी आप जब 6 बजे बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है आप दीपदान इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि पूर्णिमा इत्यादि के सभी कार्य 7 तारीख को ही होंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। ग्रहण से संबंधित वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। श्री राधे, जय माता दी।